अभी मैं आज आपको यहाँ पे, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, तो मैं आपको एक प्लेटफॉर्म आज प्रोवाइड करूँगा यहाँ पे, जिससे आप अपना व्यू रख सकें एग्जाम के बारे में, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कैसे होगा। मैं बाद में, अभी जो कल के हाई कोर्ट के डिसीजन की थोड़ी देर बात करूंगा, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो ये वीडियो पूरा देखिए आखिर तक, उसके बाद में आपको समझ में आएगा, और उससे हम लोग आइडिया लग जाएगा हमारे को कि कितने परसेंट बच्चे हैं जो कि ये चाह रहे हैं कि एग्जाम नहीं होना चाहिए, कितने चाहते हैं कि एग्जाम होना चाहिए। तो चलो देखते हैं आज का वीडियो, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस पोल में पार्टिसिपेट करना है। मुंबई हाई कोर्ट का डिसीजन के बारे में काफी बातें आपने सुनी होंगी, काफी चीजें आपको अभी तक पता भी होंगी, उसी के बारे में मैं थोड़ा सा और आगे आपको कुछ बातें बताऊंगा। एज ए एडवोकेट मैं, मतलब कुछ चीजें आपको बताऊंगा आज कि उसका डिसीजन क्या होना चाहिए। मैं टीचर के साथ में, जो मेरे को जानते हैं उनको मालूम है, आई एम ए क्रिमिनल एडवोकेट ऑल्सो। तो इसके जो मुंबई हाई कोर्ट में जो केस आया, उसके अंदर दो तीन चीजें ऐसी थी जो कि आईसीएसई बोर्ड ने रखी अपनी। पहली जो बात थी ये थी कि सीबीएसई के विरुद्ध किसी ने कोई केस नहीं करा, जबकि उनके भी एग्जाम हो रहे हैं उसी टाइम पे। अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे क्यों? दूसरी बात, ओनली वन इंडिविजुअल जो अपने बच्चे का के लिए वो गया है वहां पे, और वो पीआईएल नहीं मानी जाती, अपने बच्चे के पर्सनल इंटरेस्ट में वो गया है। दूसरी बात ये बोला। तीसरी बात ये बोला कि वो जो कर रहे हैं एग्जाम कंडक्ट, वो एचआरडी मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश से और उनके डिसीजन से कर रहे हैं, उनके जो गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट को कोई हक नहीं पड़ता कि उसको रोक सके। ये शायद आप लोग हिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हो, जब भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाता है। एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक विशेषज्ञों के पैनल से राय लेने के बाद ये सीबीएसई को गाइडलाइन दिया था कि आप जुलाई के अंदर ये एग्जाम करिए। चौथा जो उन्होंने पॉइंट रखा वो ये रखा कि जो लॉकडाउन, मतलब ये जो अभी चल रहा है, इसके अंदर जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है वो ये है कि 10 साल से नीचे और 60 ईयर से ऊपर वाले लोगों को खतरा है और वो बाहर ना निकले। मतलब जो बच्चे 10th के लिए और 12th के लिए आ रहे हैं, वो 15 से 18 साल के बीच में ज्यादातर बच्चे हैं, तो उनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगली बात उन्होंने कही कि हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू एचआरडी मिनिस्ट्री गाइडलाइन जो है, हमने पूरे प्रबंध कर लिए हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, उन्होंने गाइडलाइन जारी करी थी, लेटर दिया है, और उसके बाद अगर आप देखो तो स्कूलों ने भी वो काम, जो मैं अभी देख रहा हूँ ज्यादातर स्कूलों में, जितनों में जानता हूँ, उन्होंने सीटिंग प्लान भी अलग 5-6 रूम्स के अंदर सीटिंग प्लान करना शुरू कर दिया है, और पूरी तैयारी करी जा रही है आईसीएसई बोर्ड की तरफ से। इसके बाद उन्होंने ये कहा है कि हम लोग, अगर कोई बच्चा बीमार है या किसी को डर लग रहा है, किसी मारे वो नहीं आ पा रहा है कंटोनमेंट एरिया में, तो वो सितंबर के अंदर उसको एक और चांस देंगे, तब वो अपना एग्जाम दे सकता है, अगर कोई बच्चे बच जाते हैं तो। इस तरह से ये कई चीजें बताई। और दूसरी अगली बात उन्होंने ये भी बताई कि महाराष्ट्र के अंदर लगभग 226 स्कूल हैं, उनमें 23,000 के आसपास बच्चे उनमें पढ़ रहे हैं, तो उनमें से 80% स्कूल जो है वो राजी हैं एग्जाम कंडक्ट करने के लिए। तो इसलिए वहां पे ऐसी कोई, मतलब वो स्कूल भी राजी हैं, आईसीएसई बोर्ड भी राजी है, लेकिन गवर्नमेंट उसके अंदर कह रही है। तो इसलिए उन्होंने ये दलील दी कि हाई कोर्ट को, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है और पूरे विशेषज्ञ कमेटी के द्वारा लिया गया है, अच्छे से सोच विचार के लिया गया है, तो इसलिए इसके ऊपर हाई कोर्ट को दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए, कोई वर्डिक्ट नहीं देना चाहिए। ये सारी दलीलें सुनने के बाद में हाई कोर्ट ने वो जजमेंट के लिए अगली तारीख यानी मंडे 15 जून का दिया है। अब 15 जून को क्या होने वाला है ये भी आप समझ लीजिए। 15 जून को बहुत कम चांसेज हैं कि हाई कोर्ट इंटरवीन करे इस मामले में, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि हाई कोर्ट, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है और काफी एचआरडी मिनिस्ट्री वगैरह ने सबने सोच के लिया, और काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस चीज से। अगर 12th के एग्जाम कंप्लीट नहीं होते तो आगे आईआईटी वगैरह जो दूसरे एडमिशन जो होंगे उनके ऊपर भी काफी सारा इम्पैक्ट पड़ेगा इन चीजों का, क्योंकि ऑल अदर एडमिशन प्रोसेस आर डिपेंड ऑन 12th एग्जाम। कि अगर 12th का सीबीएसई और आईसीएसई का एग्जाम
आईएससी का एग्जाम प्रॉपरली नहीं हो पाया तो बाकी के ऊपर भी वो इफेक्ट पड़ेगा। टेंथ का बहुत ज्यादा मैटर नहीं यहाँ पे है, लेकिन ट्वेल्थ का काफी ज्यादा उसके ऊपर स्टैक दाव पे लगा हुआ है। तो वो बाकी जो टेस्ट है, एग्जाम है, एनआईटी है, सॉरी आईटी आईआईटी हैं, मेडिकल एग्जाम्स हैं, अदर एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह जो भी होते हैं, जहाँ पे भी बच्चे ट्वेल्थ के बाद में एडमिशन लेते हैं इन डिफरेंट टाइप ऑफ करियर ऑप्शन, तो वो सारे के सारे डिपेंड होते हैं ट्वेल्थ के एग्जाम पे। तो वो सारी प्रोसेस चेंज करनी पड़ेगी अगर वहाँ पे मार्क्स एग्जाम नहीं हो और मार्क्स प्री बोर्ड वाले दिए गए तो उसके ऊपर, क्योंकि फिर भरोसा नहीं रहता इतना ज़्यादा, वो नहीं रहता, तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करा जाएगा, फिर काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी उसके बाद। तो ये सारी चीज़ें देख करके मेरा जो मेरे को लग रहा है, जो सारी चीज़ मैं सुन के समझ रहा हूँ, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपनी बात ये बता रहा हूँ, मैं मतलब कोई ऐसा ज्योतिषी नहीं हूँ, तो जो सोच समझ के और सारी चीज़ें आज मैंने, इसीलिए मैं कल के डिसीजन पे आज मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, तो सारी चीज़ें सुनने के बाद में मेरे को लग रहा है बहुत कम चांसेस हैं हाई कोर्ट इसमें इंटरवीन करे। आगे क्या होगा वो आगे की चीज़ें हैं, लेकिन अभी अगेन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एग्जाम्स आर ऑन, अभी CBSE और ICSE दोनों तैयार हैं एग्जाम, और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चल रही है, सभी स्कूलों के अंदर भी पूरी तैयारी हो रही है, और पूरे इतने स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, एक महाराष्ट्र के अंदर ये बात हो रही है, बाकी जगह पे ये सेंटर के एग्जाम हैं, किसी स्टेट गवर्नमेंट के नहीं। अगर महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम होते तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसको रोक सकती थी, कोई भी डिसीजन ले सकती थी, लेकिन यहाँ पे जो ये एग्जाम है वो सेंटर गवर्नमेंट के दोनों स्कूल ISC और CBSE, तो इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश के अंदर ये एग्जाम होने हैं और सबके ऊपर इम्पैक्ट आएगा एक जगह का, तो इसलिए मेरे को नहीं लग रहा हाई कोर्ट इसमें इंटरवीन करने जा रहा है 15 तारीख को, बहुत कम चांसेज है, हो सकता है कर दे, लेकिन अभी मेरे को नहीं लग रहा है कि ऐसे चांसेज हो। अब इसके आगे, अब फिर आप ये कहेंगे कि मैं चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैंने एक आपको बात बताई जो अभी तक मैंने देखा है। अब आगे मैं आपको एक प्लेटफॉर्म आज प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे कि आप अपनी आवाज़ को उठा पाएँ, तो उसके लिए मैं आपको इस ज्योग्राफी विद तेजसर का जो आपका प्लेटफॉर्म है इसको आप यूज़ कर सकते हो। जो बच्चे चाहते हैं कि एग्जाम हो वो लाइक करें, और जो बच्चे चाहते हैं कि एग्जाम नहीं होना चाहिए वो कॉमेंट करें, तो इससे हमें आइडिया लगेगा कि कितने लोग एग्जाम होने के पक्ष में हैं और कितने विपक्ष में हैं। तो ये आप कर सकते हैं ताकि हमें आइडिया लगे। आई एम